नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो निकाय चुनाव की रणभूमि में आपका स्वागत है और पहले चरण के रण का प्रचार थमने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। आज शाम 6 बजे पहले चरण का प्रचार थम जाएगा। पहले चरण के 10 नगर निगमों में प्रचार की रफ्तार रुक जाएगी। 37 जिलों में 4 मई को शहर की सरकार के लिए जनता वोट डालेगी। तो चुनाव का शोर है और प्रचार का जोर आज अंतिम दिन में दिखाई दे रहा है। तमाम जो बड़े दिग्गज हैं आज अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। शाम 6 बजे 10 नगर निगमों में प्रचार का शोर थम जाएगा। 4 मई को 37 जिलों में पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसके लिए आज प्रचार का शोर थम जाएगा। तमाम जो दिग्गज हैं आज आखिरी दिन पूरे जोर आजमाइश कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। शाम 6 बजे का वो वक्त होगा जब 10 नगर निगमों में प्रचार खत्म हो जाएगा। 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने हैं। 4 मई को पहला चरण और 4 मई को 37 जिलों में वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। सुबह से ही एबीपी गंगा तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा है, तमाम जिलों तक आपको पहुंचा रहा है कि किस तरीके से आखिरी दिन चुनाव प्रचार का शोर देखने को मिल रहा है। कौन कौन से दिग्गज इस आखिरी दिन में मोर्चा संभाले हुए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज आखिरी दिन मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव भी आज मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। इन्हीं तमाम बड़े चेहरों के साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो भी आज मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। तो सुबह से ही तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अलग अलग जगहों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में किस तरीके की चुनावी हलचल है और किस तरीके से जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं किस तरीके से जोर आजमाइश कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें ऋषिकेश से, जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ गाली गलौज और हाथापाई हो गई है। 20 सड़क पर एक व्यक्ति ने गाली गलौज और हाथापाई की है। हमला होते ही कैबिनेट मंत्री और उनकी टीम ने शख्स की जमकर पिटाई कर दी। ऋषिकेश से बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जिनके साथ गाली गलौज और हाथापाई की बात सामने आई है। बीच सड़क पर एक व्यक्ति की गाली गलौज और हाथापाई की बात सामने आई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। हमला होते ही कैबिनेट मंत्री और उनकी टीम ने शख्स की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि विवाद ये क्यों हुआ, क्यों इस व्यक्ति ने गाली गलौज की है, इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव फुटेज भी अब सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से इस युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। और ये आरोप युवक पर लगा है कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ इसने गाली गलौज की, हाथापाई की, जिसके बाद जो आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने इस शख्स की जमकर पिटाई कर दी। ऋषिकेश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल जिनके साथ गाली गलौज की बात सामने आ रही है। हालांकि पूरा विवाद क्या है, पूरी वजह क्या है, इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव फुटेज सबसे पहले एबीपी गंगा पर इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से पहले विवाद होता है और धीरे धीरे जो विवाद है हाथापाई में तब्दील हो जाता है। जो वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने इस शख्स की जमकर पिटाई कर दी। क्या विवाद था, क्यों गाली गलौज की गई, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जो आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरों में कैद कर लिया है और अब ये फुटेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जाम लगा हुआ है और इस जाम के बीच में इस युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। विवाद के बाद खुद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस युवक की जमकर पिटाई कर दी। बीच सड़क पर दिन दहाड़े आज ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है। ऋषिकेश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि युवक कौन है इसके बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। इससे बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री के साथ गाली गलौज की और बात इतनी बढ़ गई कि वहां मौजूद लोगों ने फिर इस युवक की जमकर पिटाई कर दी। सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जिनके साथ गाली गलौज की पूरी बात सामने आ रही है और हमला होते ही कैबिनेट मंत्री और उनकी शख्स की टीम ने शख्स की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि जन समस्याओं से जुड़े मुद्दे को लेकर मंत्री पर व्यक्ति ने आक्रोश के चलते हमला कर दिया। हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान सुरेंद्र नेगी के नाम से हुई है, जो ऋषिकेश विधानसभा के शिवाजी नगर का रहने वाला है। इधर मंत्री पर हमला करने वाले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो देखिए ये पूरा अब घटनाक्रम आपको बता दें कि किस तरीके से ये शुरू हुआ। बताया जा रहा है क्योंकि ऋषिकेश के दौरे पर थे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जहां पर जन समस्याओं से जुड़े मुद्दों को लेकर जब ये व्यक्ति मौके पर पहुंचा मंत्री पर आक्रोश जताने लगा,
और आक्रोश के साथ साथ इस युवक ने बताया जा रहा है कि मंत्री पर हमला भी कर दिया, और जिसके बाद जो आसपास लोग मौजूद थे प्रेमचंद अग्रवाल के साथ, उन्होंने इस व्यक्ति की जमकर धुनाई कर दी। हालांकि अब पुलिस मौके पर पहुंची और इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। सुरेंद्र नेगी, इस व्यक्ति की पहचान हुई है और ऋषिकेश के शिवाजी नगर विधानसभा का ये रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि आप देखिए, ये वीडियो वायरल हो रहा है। विवाद के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की टीम पर युवक की पिटाई का आरोप है। पहले कहा जा रहा है कि इस युवक ने गाली गलौज की मंत्री के साथ, उन पर हमला करने की कोशिश की, और जैसे ही युवक हमला करता है मंत्री पर, वैसे ही जो समर्थक थे, जो कार्यकर्ता उनके साथ और मौजूद थे, उन्होंने इस युवक की जमकर पिटाई कर दी। और पिटाई का ये वीडियो भी अब सामने आया है। ऋषिकेश का ही रहने वाला ये व्यक्ति बताया जा रहा है, जो कि जन समस्याओं को लेकर इसके अंदर आक्रोश था। मंत्री को अपनी बात, मंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पहुंचा, आक्रोश इसने जताया और हमला करने की भी कोशिश की। ये बात कही जा रही है कि पहले इस शख्स ने मंत्री पर हमला करने की कोशिश की और उसके बाद जो वहां पर समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे और जो गार्ड थे, उन्होंने इस युवक की जमकर पिटाई कर दी। ये वीडियो भी अब सामने आया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से दन दहाड़े बीच सड़क पर इस युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और अब इस युवक को हिरासत में ले लिया है। शुरुआत से आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। देखिए, पहले बातचीत होती है और तभी एकदम से जो हाथापाई है वो शुरू हो जाती है और उसके बाद काफ़ी देर तक ये दौड़ चलता है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस युवक को अब हिरासत में ले लिया गया है। दोनों तरफ से हाथापाई का आरोप लगा है। जहां शख्स की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि मंत्री ने पहले उसके साथ हाथापाई की, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है कि पहले उस शख्स ने हाथापाई शुरू की, जिसके बाद जो समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, जो मंत्री के साथ मौके पर लोग मौजूद थे, उन्होंने इस युवक की पिटाई। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो भी हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं, ऋषिकेश के दौरे पर कहा जा रहा है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल थे, जहां पर अपनी समस्या लेकर ये युवक पहुंचा, आक्रोश था और जब अपनी बात ये मंत्री को बता रहा था, गाली गलौज उसकी तरफ से की गई, ये भी कहा जा रहा है, हाथापाई करने की कोशिश की गई, ये भी बात अभी तक सामने आई है। और उसके बाद इस युवक की मौके पर मौजूद लोगों ने जमकर धुनाई कर। ऋषिकेश विधानसभा के शिवाजी नगर का रहने वाला ये हमला करने वाला व्यक्ति बताया जा रहा है। सुरेंद्र नेगी इसका नाम बताया जा रहा है, क्योंकि ऋषिकेश के ही शिवाजी नगर में रहता है। हालांकि पूरा मामला क्या है, एक बार फिर से आपको बता दें, जन समस्याओं से जुड़े मुद्दे से युवक नाराज था, अपनी समस्या लेकर पहुंचा कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर, आक्रोशित व्यक्ति ने हमला कर दिया, गाली गलौज की, उसके बाद हमला करने की कोशिश की। हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान सुरेंद्र नेगी के नाम से हुई है। और कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सुरेंद्र आपका, धस्माना जी। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम आपने देखा होगा, ये वीडियो भी अब तक पहुंच गया होगा कि किस तरीके से बीच सड़क पर एक युवक की पिटाई की जा रही है और आरोप लगा है कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर, सर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में सरकारों में है वहाँ इनके नेता अहंकार से इतने भरे हुए हैं कि ये आम आदमी को कुछ समझ ही नहीं रहे, गाजर मूली समझ रहे हैं। जहाँ चाह रहे हैं उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। इनको मालूम है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काएगा, इनको मालूम है कुछ होने वाला नहीं है। आम आदमियों को गाजर मूली की तरह समझने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, ब्रजभूषण सिंह जी का मामला हो, चाहे जो बैठी है लड़कियां जंतर मंतर में, और उत्तराखंड में अब जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये पहला वाक्या नहीं है। ये बहुत बार घटना हो चुकी है। प्रेमचंद अग्रवाल जी को जिन पदों पे हो रहे हैं, वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। विधानसभा का अध्यक्ष का पद बहुत गरिमामय होता है। उसमें भर्ती घोटाले के मामले में पत्रकारों के ऊपर जिस प्रकार से वो भड़के थे, कोविड काल में जिस प्रकार से एक आदमी के ऊपर उन्होंने हमला किया था, और अब ये नया वीडियो जो आया है, एक आम आदमी को आप थप्पड़ मार रहे हैं, लात घूसे मार रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो छवि है और जो उनका आचरण है, उसको ये प्रतिबिंबित करता है। ये प्रतिबिंब उसका है, उसका ये पूरी तस्वीर है। ये शर्मनाक है और मैं समझता हूँ राज्य के मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। एक बार, दो बार, बार बार एक व्यक्ति अगर अपना आपा खो रहा है, अपना संयम खो रहा है, भाई आप इतने बड़े पद पर हैं, आप निर्वाचित प्रतिनिधि हैं,
आपसे अगर कोई व्यक्ति शिकायत भी करता है, कोई व्यक्ति किसी बात को कहता भी है, तो आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लात घूंसे मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, उसके ऊपर हमला करेंगे। और ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हो गया है। मैं समझता हूँ कि राज्य के मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, और अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो भाई आम जनता फिर उसके बाद अगर भड़केगी और इसके खिलाफ कोई आंदोलन होगा तो इसका नतीजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। जी सर, कहा यह जा रहा है कि पहले जो ये व्यक्ति था ये अपनी जन समस्याओं को लेकर मंत्री जी के पास पहुंचा, और खुद इसने पहले गाली गलौज से शुरुआत की, उसके बाद हमला करने की भी कोशिश की मंत्री जी पर, उसके बाद इस शख्स की पिटाई की गई। अब आरोप कुछ भी लगा लिया जाए, वीडियो में कहीं दिख रहा है कि वो व्यक्ति कहीं हमला कर रहा है, कहीं वो इस प्रकार का कोई, अगर ऐसा कोई बात होती तो वो जरूर निश्चित तौर पे, मंत्री जी जब चलते हैं तो मंत्री जी के तो आगे पीछे कैमरे चलते रहते हैं, उनकी सारी रिकॉर्डिंग होती रहती है। कोई व्यक्ति अगर कोई समस्या लेके आया है और अगर माना वो आक्रोशित भी है, अगर वो गुस्से में अगर कुछ कह भी रहा है, तो मंत्री को तो अपना आपा नहीं खोलना चाहिए, उनको तो संयम में रहना चाहिए। आपको याद होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक महिला शिक्षिका के साथ जो व्यवहार किया था, उसके बाद जो पूरे प्रदेश के अंदर प्रतिक्रिया हुई थी, इसी प्रकार से कोविड काल में जो इनका एक आचरण था प्रेमचंद अग्रवाल जी का, और अब ये नया मामला जो सामने आ रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत आपत्तिजनक है। और एक जनप्रतिनिधि को हमेशा अपने कंट्रोल में रहना चाहिए, अपने को हमेशा संयम में रखना चाहिए। इस तरह से अगर आपा खोदेंगे तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। सर, तो आप ये कह रहे हैं कि प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि जब आम जनता जन प्रतिनिधियों से अपनी शिकायत लेकर पहुंचती है तो उनके साथ यही हर्ष किया जाता है? अच्छा, कहाँ जाएगी जनता अगर जन प्रतिनिधियों पे नहीं जाएगी? छोटा राज्य क्यों बना था ये उत्तराखंड? छोटा राज्य इसीलिए बना था कि छोटे राज्य में आम आदमी की जो पहुंच है, उत्तर प्रदेश के जमाने में विधायक को ढूंढना पड़ता था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ढूंढना पड़ता था, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ढूंढना पड़ता था। अब ये छोटा राज्य इसलिए बना है, ये इसलिए नहीं बना है कि ये गाड़ियों में हुटर बजाते हुए और जनता को परेशान करते हुए घूमे। इसलिए बना था कि सरकार जनता के नजदीक हो, और जब सरकार जनता के नजदीक होगी तो जो जनता की समस्याएं होंगी उनको लेकर जनता इनके पास जाएगी। अब जनता अगर नेताओं के पास जा रही है, अपने MLA के पास जा रही है, अपने मिनिस्टर के पास जा रही है, और उसको अपमानित किया जा रहा है, उसके ऊपर थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं, लात घूंसे मारे जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा खराब बात नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड का और उत्तराखंड की जनता का नहीं हो सकता। क्या लगता है सर आपको, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को उसका संज्ञान लेना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि पूरे देश में BJP के नेता इतने सत्ता के नशे में चूर हैं, जगह जगह इस तरह की वारदातें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पार्टी अगर इसका संज्ञान नहीं लेगी तो पूरी पार्टी को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। जी ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सूर्यकांत असमाना जी ABP नगर से बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम, इसकी शुरुआत होती है ऋषिकेश का, ये व्यक्ति बताया जा रहा है शिवाजी नगर का, सुरेंद्र नेगी नाम से इसकी पहचान हुई है, जो कि अपनी समस्या लेकर पहुंचा और कहा जा रहा है कि अपनी समस्याओं से परेशान था, आक्रोश दिखा रहा था, हमला करने की कोशिश इसकी तरफ से की गई, और उसके बाद जो मंत्री के समर्थक थे, जो गार्ड थे, उन्होंने इस युवक की जमकर पिटाई कर दी। और कांग्रेस की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद इस मामले का संज्ञान ले और कोई भी दोषी अगर पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के ऋषिकेश की तस्वीरें हैं। विवाद के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की टीम पर युवक की पिटाई का आरोप लगा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं, किस तरीके से देखिए इस युवक के साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति अपनी समस्या लेकर पहुंचा, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश के दौरे पर थे और बीच इस युवक के साथ मारपीट की। चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां सीएम योगी भी आखिरी दिन पूरे प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। झांसी से ये सीएम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और सहारनपुर में अखिलेश यादव का रोड शो आप देख रहे हैं। तमाम दिग्गज आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक रहे हैं, अखिलेश यादव का ये रोड शो आप देख रहे हैं, और पहली तस्वीर में झांसी से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, जो कि इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आखिरी दिन और चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं दिग्गज नेता, भाजपा से जहां मोर्चा संभाला है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, तो वही सपा से अखिलेश यादव अपना योगदान देगा। इनके समय में इनके गुंडे शहरों में सौहदे के रूप में जगह जगह जाकर के छेड़खानी करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे। आज
उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर में सोहदों का आतंक नहीं, बल्कि आज तो हमारी सिटी सेफ सिटी बन गई है, सेफ सिटी। यहाँ पर पिछली बार भी आपने भाजपा के महापौर को दिखाया, सिंगल जी यहाँ हमारे महापौर बने और उनके समय में झांसी नगर ने स्मार्ट सिटी के रूप में काम करना प्रारंभ किया। भाइयों बहनों, अब हमारे शहर गंदगी के ढेर नहीं, कूड़े के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी बन गई है। और स्मार्ट सिटी के साथ साथ तमाम विकास की परियोजनाओं को यहां तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। आपने देखा होगा झांसी की रानी का ये किला, जब यहां पे लाइट एंड साउंड सब देखने को मिलता है, एक बार फिर से हमें 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की ओर देखने के लिए आजादी की कीमत के बारे में जानने का एक अवसर मिलता है। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। बिहारी लाल जी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख कार्यकर्ता है और अपनी शालीनता, अपनी सज्जनता, विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला तो अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई किसी एक भी बार शिकायत करने नहीं आए। मुझे था जब मैं विधानसभा चुनाव के दौरान आ रहा था, या मैंने कहा टिकट कटेगा ये लखनऊ जरूर आएंगे, टेलीफोन से बातचीत हुई। लेकिन जब मैं यहां प्रचार में आया तो मैंने देखा कि तारा प्रचार के लिए मेरे पास साथ सभा में, तो मैंने कहा भाई तो इनका तो टिकट कटा है, ये भी प्रचार में लगे हैं। कहा नहीं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी का जो आदेश होता है मैं उसको स्वीकार करता हूं। और भाइयों बहनों, इसीलिए पार्टी ने भी तय किया है, एक कार्यकर्ता जो पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहा है महापौर में, अगर इस सीट पर डिजर्व करते हैं तो उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए। और भाइयों बहनों, इसीलिए उनको उन्हें प्रत्याशी बनाकर के भारतीय जनता पार्टी आपकी सेवा के लिए समर्पित करने के लिए तैयार है। और मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, बिहारी लाल जी को आप चुनाव जिताएंगे कोई संदेह नहीं, भाइयों बहनों कोई संदेह मुझे नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जैसे यहां पर जो कार्य रामकीर्ति सिंगल जी ने किया, उन कार्यक्रमों को और तेजी लाने के लिए आज से बिहारी लाल आर्य जी जो विधायक के रूप में भी उनके पास एक अनुभव है, संगठन का भी एक अनुभव है और साथ साथ अब महापौर बनेंगे तो महापौर में भी जन समस्याओं का समाधान करने, जनता के प्रति किस सहजता सरलता के साथ व्यवहार करना, इन सभी चीजों को लेकर के वे कार्य करेंगे। इसके लिए इनके हाथों में ताकत दी, फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनाइए। आप सहमत हैं? बोर्ड बनाएंगे सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ पाकर के बिहारी लाल जी के समर्थन में बोले, पूरा बोर्ड बनना चाहिए। भाइयों बहनों, 4 मई को ही चुनाव है, ये चुनाव के अंतिम सभा है, सहमत है? पूरा बोर्ड भी बनेगा ना? तो भाइयों बहनों, आप बना करके भेजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं, अनुराग जी यहाँ के सांसद हैं, रवि जी और राजीव सिंह जी और जवाहरलाल जी, ये सभी हमारे विधायक हैं और हमारे जितने विधायक हैं एलएलसी हैं, इन सबको भी इनके नेतृत्व में झांसी के विकास के लिए जो भी प्रस्ताव आएंगे उन सब पे बिना किसी संकोच के हम पैसा देते रहे हैं। पैसे की कमी कभी आने नहीं आने पाएगी, कभी नहीं। और इसके साथ ही मैं अपील करूंगा कि बिहारी लाल आर्य को महापौर के लिए और हमारे राघवेंद्र प्रताप सिंह नगर पालिका अध्यक्ष चिरगांव के लिए श्रीमती मीरा कुशवाहा प्रत्याशी नगर पंचायत बड़ागांव, श्रीमती सुशीला कुशवाहा नगर पालिका बरवा सागर, श्री देवेंद्र सिंह कंसाना आ गए तो भैया नगर पालिका संथार जयपाल सिंह चौहान प्रत्याशी नगर पालिका गुरसहाय, श्रीमती शांति केशवानी अध्यक्ष नगर पंचायत मोट,
अशोक कुमार दुबे नगर पंचायत एरज, गोविंद नारायण गुप्ता अध्यक्ष नगर पंचायत गरोटा, श्रीमती हेमलता इटेलिया नगर पंचायत रानीपुर, राजेंद्र कुशवाहा नगर पंचायत टोडी फतेहपुर, संतोष अहिरवार नगर पंचायत कटेरा, ये सभी हमारे प्रत्याशी बने। अध्यक्ष पद के इनके साथ के पार्षदों को भी चुनाव जिता करके भेजेंगे। फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनाइए भाइयों बहनों, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना और मुख्यमंत्री संवर्धन योजना में भी जितना पैसा लगेगा बुंदेलखंड के लिए भरपूर पैसा विकास के लिए और जनता की बुनियादी सुविधा के लिए उपलब्ध करवाएंगे। मुझे आपसे एक अपील करनी थी, इन सब के लिए एक बार कर्तव्य ध्वनि से इनका स्वागत करने हमारे प्रत्याशियों का और इनके समर्थन के अपील आप सबसे करते हुए आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।